आज सुदेश महतो जी नामांकन दे रहे, थोड़ा देर उनका साथ रहूंगा, फिर शाम को एक बार सरायकेला में भी जाने का प्रयास करूंगा। देखिए, ये कांग्रेस का सिस्टम होता है, हम भी कांग्रेस में था, 20% टिकट वो लोग ऑन पेमेंट दे देते हैं और वही पैसा से वो चुनाव लड़ने का कोशिश करता है। तो ये एक माना जाता है कि 100 टिकट अगर कांग्रेस देते हैं तो 20 टिकट कांग्रेस सेल करता है, तो ये जनरल उनका नॉर्म्स है। लेकिन यहाँ में क्या हुआ है वो तो अंदर की जानकारी कोई मेरा नहीं है, मैं खाली मेरा अनुभव बता रहा हूँ आप। तो ठीक है भाई, हमारा आसाम में तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हमारा तो सीधा साधा प्रदेश है, वहाँ गुंडा वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। लेकिन अगर उनको लगता है मैं गुंडा है, ठीक है, बड़ा आदमी है, एक कैंडिडेट मिल जाएगा। कुछ स्ट्रेटेजी होते हैं, जैसे विपक्ष ने जामा में कैंडिडेट नहीं दिया है, विपक्ष ने भी तो अभी तक सरायकेला में कैंडिडेट नहीं दिया है। नहीं, काल हुआ, काल ही तो हुआ है ना, हमारा भी हो जाएगा। और आप थोड़ा खबर करिए, हमारा कैंडिडेट काम कर ही रहा है, कोई मतलब ये नहीं है। हमें तुंडी और बरहट एक साथ दे दूंगा, बरहट एक्चुअली बरहट के लिए नहीं फंसा हुआ है, उनमें कैंडिडेट कंफर्म है। तुंडी के लिए थोड़ा सा आंसू का साथ हमारा वार्तालाप बाकी है, आज रात में कोशिश करूंगा कर लेने का। तो तुंडी के लिए बरहट का हमारा अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है। पहले वो लोग बोलते थे बीजेपी में वो चला गया, लेकिन दो दिन में ही तो हकीकत आपका सामने आ गया। हमारा गठबंधन तो पक्का है ना, हमारा यहाँ कोई फ्रेंडली फाइट नहीं है, कुछ नहीं है। कोई कोई लोग जाने का बात था, वो भी मन गया है, हमारा तो ठीक ठाक रहेगा। सुनाओ उड्रेल का समय तक आप देखेगा कि हमारा पार्ट NDA बहुत ही स्ट्रांग होके उभरेगा, और हम लोग का पूरा समझ है, वार्तालाप भी चल रहा है, और हम लोग अच्छा से चुनाव लड़ रहा हूँ।